हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 15 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास सेवन्थ की हिंदी की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, आपकी हिंदी की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकालेंगे हिंदी की, जिससे कि आप लोग वर्कशीट को हैंड टू हैंड कर सकें। ठीक है, वर्कशीट का नंबर बच्चों आपका कितना है? वर्कशीट नंबर है आपका 15। ठीक है बच्चों, डेट आपकी क्या है? 8 सितंबर की वर्कशीट है। तो पुराने बच्चे जैसे जानते हैं, मेरा वर्कशीट कराने का तरीका अलग है, और बच्चों को ये भी पता है कि मैंने अपने चैनल पर आपको बताया था कि मैंने दूसरे चैनल व्लॉग चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस पे मैं इस संडे को, आने वाले संडे को, एवरी संडे उस पे वीडियो डाली करेंगी, जिसमें आप लोगों के गिफ्ट की अनबॉक्सिंग होगी। अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। हम पहले वर्कशीट को करेंगे, इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर मैं आपको उस गेम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि गिफ्ट वही बच्चा जीतता है जो वीडियो को पूरी देखता है। ठीक है, ये उसका पहला क्राइटेरिया है, जो वीडियो को पूरी देखेगा वही बच्चा गेम को जीत पाएगा। देखो, इससे पहले हमने कठपुतली वाला एक टॉपिक किया था, उसमें बताया था कठपुतली क्या चाहती है। वो चाहती है कि उसके उसको उसके पैरों पर छोड़ दो, वो कंट्रोल में दूसरे के नहीं रहना चाहती। ठीक है, और हमसे ये पूछा था कठपुतली बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमने उसमें बताया था। इसमें देखो, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ठीक है, अब देखो तो इसका मतलब क्या है प्रसंग, प्यारे बच्चों, यह कविता देखो, जैसे कि लास्ट में भी ये बताया था, भगवत प्रसाद मिस जी द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वो कहते हैं कठपुतली बंदे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे उन कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगती हैं। भावार्थ, इसका भावार्थ क्या है? पहली कठपुतली की बात सुनकर, देखो इसमें दिया गया भावार्थ, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी, कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी किए। ठीक है, देखो क्या होता है, कठपुतली क्या कंट्रोल में चलती हैं किसी के, तो वो कह रही है कि हमें बहुत दिन हो गया कि अपनी मर्जी से हम चले हों, कूदे हों। ठीक है, हम दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गई हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियाँ भी जिम्मेदारी आ गई नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर। ठीक है, तो उसने उसके बाद क्या कहा, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, इसकी वजह से तो उसको और भी जिम्मेदारियाँ आ गई और कठपुतली की। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग सभी बच्चे करेंगे। फर्स्ट में आपसे पूछा है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। उत्तर नंबर एक, ठीक है, देखो तो क्या कहा था उन्होंने, कहा था हाँ, जब पहली ने बोला तो औरों ने कहा कि हाँ बहुत दिन हो गए अपनी मन मर्जी किए दूसरों के इशारों पर नाच कर थक गए, दूसरों के इशारों पर थक गए। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या क्वेश्चन था, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत दिन हो गए अपनी मनमर्जी, ठीक है, यहाँ पे रहेगा डंडा आएगा, मनमर्जी किए, दूसरों के इशारों पर नाच कर थक गए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर सेकंड, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्या अच्छी लगी, आपको बताना है पहली कठपुतली की ऐसी कौन सी बात थी जो दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी थी। क्योंकि वे भी जो और कठपुतली थी वो भी क्या स्वतंत्र होना चाहती थी,
होना चाहती थी। और अपनी पांव सर पांव पर खड़ी होना दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? ठीक है बच्चों, हमें बताना है कि देखो ये तो आई थिंक आपको सभी को बता होगा क्वेश्चन नंबर एक की तरह। देखो, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा, दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। अच्छा, इसमें दूसरी का पूछा है तो देखो वो क्या सोचने लगी थी, जैसे हमने पढ़ा था उसने कहा भाई ये तो मैं किसमें बाधा में फंस गई ये बात बोलकर। इसमें लिखेंगे पहली कठपुतली क्या डर जाती है। कहीं यह कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे, डाल दे। ठीक है, उसने क्या सोचा, पहली कठपुतली डर जाती है, वो क्यों डरती है, कहीं यह कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। ठीक है, अब देखो फोर्थ, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। आपको एक तो कैसा लगेगा, सभी बच्चों को पता है भाई ये तो बेकार लगेगा, लेकिन क्यों लगेगा मेन रीजन ये बताना है। कि आप लिखेंगे हमें का नंबर चार में कठपुतली बहुत बहुत बुरा लगेगा हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। मर्जी से काम करना चाहते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से काम करना चाहते हो, काम बस सही करना है और अपनी मर्जी से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उत्तर नंबर फाइव। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है, क्या हम सभी टीवी मोबाइल इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, कैसे। आप लिखोगे हाँ, क्योंकि जैसा ये दिखाते हैं जैसा ये दिखाते हैं हम उसको सही मान लेते हैं, हम उसको सही मान लेते हैं और उसके जैसा
करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ हमने क्यों लिखा, क्योंकि जैसा ये दिखाते हैं हम उसे सही मान लेते हैं और उनके जैसा ही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। होपफुली सभी बच्चों को बहुत अच्छे से और बहुत अलग तरीके से मैंने वर्कशीट कराई, आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़रूर बच्चे सब्सक्राइब रखें। और आपको मैं गेम के बारे में बता देता हूँ। देखिए बच्चों, क्या है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अपने व्लॉग चैनल का। ठीक है, वो मेरा चैनल है पुराना, जिसमें मैंने अपने स्कूल और कॉलेजेस की वीडियो डाल रखी है, क्योंकि मैं उस टाइम पे कंपटीशन किया करता था। ठीक है, जो भी कंपटीशन होते थे स्कूल और कॉलेज में, वहाँ मैं पार्टिसिपेट करता था। आप लोग भी उससे सीख सकते हो कि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप लोग भी उससे अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, अभी सभी बच्चे पता है कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ। ठीक है, तो मैं उसके रिलेटिव व्लॉग वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, व्लॉग वीडियो एवरी संडे को डाली करेगी, और उस वीडियो में आपके लिए गिफ्ट होगा। ठीक है, उस गिफ्ट की मैं उसमें क्या करूँगा, अनबॉक्सिंग करूँगा एवरी व्लॉग में। ठीक है, जिससे कि आप लोग वो गिफ्ट देख सको और उसके फीचर पता लग जाए। फिर उसमें से बहुत सारे बच्चे उस वीडियो पर कमेंट करेंगे, जो जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन सेलेक्ट वही बच्चा होगा जो वीडियो को पूरी देखता है। ठीक है, और डेली वर्कशीट मेरे चैनल से करता है। ठीक है, डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता है और अपने 10 फ्रेंड को शेयर करता है। ठीक है बच्चों, देखो मेरा मेन इंडायरेक्टली मोटो क्या है कि आप लोग पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप आओ क्वेश्चन आंसर उतारे और चले गए। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को पूरी देखो शुरू से एंड तक। ठीक है, फिर आप लोग उसे तुरंत कंप्लीट होने के बाद अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और अपनी डेली वर्कशीट करो। जो भी आपकी वर्कशीट आती है डेली, आप चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर लो, डेली वर्कशीट करते रहो। इससे क्या होगा, आपको बच्चों आप अच्छा सीखेंगे और आपकी एक हैबिट अच्छी बनेगी। ठीक है, फिर आप लोग जैसे ही संडे को मेरी वीडियो आएगी, मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम भी मैंने दिया, सभी बच्चे उसे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली उससे ही उस पर ही आपको ज़्यादा अपडेट मिलती है वर्कशीट से रिलेटेड से। ठीक है, तो जैसे ही उस वीडियो आएगी उसका लिंक मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो क्या है कि सबसे पहले मान लो मैंने शेयर कर दिया, और जो बच्चा अभी उस टाइम पे देख रहा है संडे को, और उसने क्लिक करके वीडियो देख ली, और वो बच्चा मेरी डेली वर्कशीट करता है, 10 फ्रेंड के साथ भी शेयर करता है और वीडियो को पूरी भी देखता है, तो बच्चों को सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा सभी बच्चे, एक तो या तो फिर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जो मैंने लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।